Students, students, today we will do work in Bravia. So, take out your Bravia and open worksheet 46. Worksheet 46. In my Bravia, worksheet 46 is given on page number 135. 135 page, worksheet 46 in my Bravia. Given. So, take out your Bravia and open worksheet 46. Let's start underline the verbs in the passage given below the first one is done for you we have to underline verbs in this passage traditionally white pearls have been sold off in hyderabad have been sold is yes verb a good quality white pearl reflects a lovely sky blue color under ultraviolet light so here is verb reflects we have to underline verbs while a poor quality one has a greenish and mustardish sheen so here is has underline has black pearls that have a green sheen here is have underline An irregular shaped pearls that reflects yes reflect so underline reflect a rainbow of colors are Underline are also among us the more valuable brighties. White pearls are, yes, again are popular among Indians. Why? The foreigners adore the colored ones. So, here is adore is verb. Okay, children. Now, come on the C part. Leave this part. Okay. Now, come on the C part. Use simple present tense. सॉरी यूज सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ द वर्क गिवन इन द ब्रैकेट वी हैव टू यस यूज सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ द वर्क ठीक है हमें सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस वर्क फिल करना है लेट स्टार्ट एवरी डे माई मदर डैश फॉर अ वॉक एवरी डे रोज माई मदर डैश फॉर अ वॉक हैबिट बता रहे हैं जाती हैं तो क्या आएगा येस yes, गोज मदर इज वन तो वर्ब के साथ एसिया ई एस ठीक है सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपने किया होगा कि अगर वन हो सब्जेक्ट तो वर्ब के साथ एसिया ई एस तो गो का क्या हो गया गोज एवरी डे माई मदर गोज फॉर अ वोक लुक शी डैश नाओ अब नाओ मतलब अभी क्या कर रही हैं ठीक है कॉन्टीन्यू क्या करिए लुक शी इज गोइंग नाओ प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस क्स्ट चिल्ड्रन डैश इन द मोमेंट एट द मोमेंट यानी अभी क्या कर रहे हैं यस yes, खेल रहे हैं रहा है ठीक है जर्नली ऑल द चिल्ड्रन जर्नली क्या करते हैं जर्नरली बात हो रही है तो सिंपल प्रेजेंट एस जर्नली चिल्ड्रन प्ले टूडे आई डैश द ऑफिशियल लेटर टुडे आई डैश ऑफिशियल लेटर क्या कर रहा हूँ मैं आज मैं डिक्टेट कर रहा हूँ तो टुडे आई एम डिक्टेटिंग 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 डी डी आई 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 सी सी ठीक है टी एन जी द ऑफिशियल लेटर अदरवाइज मतलब वो आज ऑफिशियल लेटर डिक्टेट कर रहा है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस्टेंस अदरवाइज माई बॉस अदरवाइज कौन करता है माई बॉस डिक डैश ओल सच लेटर अब ब्रैकेट में क्या डिकेट बॉस क्या वन तो क्या बन जाएगा डिकटेट सच लेटर नेिल्ड्रन डैश एट दउट ऑफ फन क्या करते हैं चिल्ड्रन आउट ऑफ फन नॉक करते हैं ठीक है नेबरहुड चिल्ड्रन जो है फन में डोर को नॉक करते हैं सम वन डैश एट इट नाउ यानी अभी हो रहा है वो काम तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस समवन इज नॉकिंग यूजली माय मदर डैश फूड जनरली कौन बनाता है मदर तो मदर वन है तो कुक का हो गया कुक्स जनरली माय मदर कुक्स फूड बट टुडे शी इज नॉट हियर सो आई एम कुकिंग तो आज मैं बना रहा हूं जनरली मदर बनाती है आज मैं बना रहा हूं नाउ कम ऑन द नेक्स्ट

द स्टीट डॉग डो नोट डो नोट आ गया तो बाग का बास टाइम अब देखो दिस टाइम यानी यहाँ क्या आएगा येस कॉन्टिन्यूस टेंस और यहाँ क्या आएगा सिंपल प्रेजेंट एंड तो अलीशा वन है तो प्लीज

ठीक है जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करेंगे तब हम ये एक्सरसाइज करेंगे उसके बाद इसके बाद आप ई e पार्ट करेंगे इसमें आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करना है ठीक है वो आपने ऑलरेडी किया हुआ है सिंपल प्रेजेंट टेंस तो दिस एक्सरसाइज यू विल डू योर सेल्फ ओके चिल्ड्रन सो डू योर वर्क